भी टॉप लिस्ट में ऊपर कहीं दिखाई देते। चलिए इसी के साथ चलते हैं टॉप फाइव प्लेयर्स की तरफ और देखेंगे कौन है वो पांच खिलाड़ी जो अभी रेस में चल रहे हैं एमवीपी की, जिसमें सबसे ज्यादा आगे नोलबू देखने को मिल जाएंगे 22 के साथ। उसके बाद आते हैं निंजा जॉर्ड 21 के साथ। डैमेज भी देखिए, वहां पर भी एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद ईएमटेक की योन ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ईएमटेक की स्क्वाड तीसरे पायदान पे और उसमें एक बड़ा हाथ योन का 19 फिनिशेस निकाले हैं। टिमोन वो भी देखने को मिल जाएंगे रॉक ईस्पोर्ट्स के 17 के साथ। बट टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के रॉनी कल के दिन पे वो कमबैक आया जहां बैक टू बैक दो मुकाबले बेहतरीन। क्या आज वापस से रॉनी चमकेंगे? क्या वापस से हम बिलीव कर पाएंगे ब्लाइंड में? हाईएस्ट सर्वाइवल टाइम निंजा के पास है इस पूरी लॉबी के अंदर। इनफैक्ट अगर टॉप फाइव में है तो पूरी लॉबी में भी उन्हीं का हाईएस्ट सर्वाइवल हमें देखने को मिलता हुआ। रॉनी हाँ डैमेज उतना नहीं आया, बट ये डिफरेंस सिर्फ उतना ही है क्योंकि जो पहले दिन की बात करें वहां पर ब्लाइंड का वो प्रदर्शन आया नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन आया वही एक चीज बन जाती है। बट ये खिलाड़ी पूरी एनर्जी डाल करके रखता है, पता चल गया कैमरा इन पे है तो जनता के साथ की जुगलबंदी। कल पुशअप्स मारे थे, आज भी गुलाटी मारी है, पहले दिन भी गुलाटी मारी थी। अगर इनका चिकन आया तो फिर देखते हैं अब क्या करने वाले हैं ये। इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ रॉनी जिनकी हमने चर्चा की 14 फिनिशेस के साथ टॉप 5 एमवीपी में पांचवें पायदान पे वो मौजूद है आज।